सर्पित्र एवं शनिश्चरी अमावस्या का अद्भुत संयोग आया है। 20 वर्ष बाद चतुर्ग्रही सूर्य मंगल बुध शुक्र योग से सर्पित्र एवं वर्ष 2019 के अंतिम शनिश्चरी अमावस्या शनिवार 28 सितंबर को मनाई जाएगी, जिसको देखते हुए बाल स्वरूप शनिदेव मंदिर व्यासवाल अर्जुन इंदौर के पुजारी पंडित अमित पुराणिक ने बताया कि इस मौके पर निःशुल्क पितृदोष निवारण पितृ तर्पण और सामूहिक पितृ स्तोत्र पाठ संपन्न कराया जाएगा। इसी के साथ निःशुल्क ग्रह पीड़ा निवारण शनि देव प्रसन्नता कास पर दोष निवारण नवग्रह अनुकूलता हेतु दिव्य अनुष्ठान एक कुंडीय महायज्ञ हवन भोग वहीं शनि देव का तिल अभिषेक एवं शनि स्तोत्र पाठ संपन्न होगा। कल जो अमावस्या आ रही है वो बहुत ही दुर्लभ है। 20 वर्ष के पश्चात इस अमावस्या का योग बन रहा है। शनिश्चरी और सर्वपित्र अमावस्या दोनों का सुयोग, साथ ही चतुर्थ योग बन रहा है। चार प्रकार के ग्रह एक साथ उपस्थित हो रहे हैं इस दिन अमावस्या के दिन, तो ये बहुत ही पुण्यकारी है। इस दिन अपने पितरों के निमित्त उनकी शांति के लिए पितरों का तर्पण हो, उनका मार्जन हो, पितृ स्रोत का पाठ किया जाए, तो बहुत ही पितृ प्रसन्न होकर अपने वंशजों का आशीर्वाद प्रदान करते हैं। और इसी के साथ शनिश्चरी अमावस्या भी है। अमावस्या तिथि का प्रतिनिधित्व शनिदेव करते हैं। शनिदेव को प्रसन्न करने के लिए दिन सबसे उपयुक्त है। इस दिन श्रद्धा से भगवान का पूजन किया जाए, ध्यान किया जाए, उनको तेल अर्पण किया जाए, शनि मंत्रों के जाप किए जाए, तो शनिदेव शीघ्र प्रसन्न होकर भक्तों का कल्याण करते हैं। बाल स्वरूप शनिदेव मंदिर पर सर्वपित्र शनिश्चरी अमावस्या को लेकर एक दिव्य अनुष्ठान आयोजित किया जा रहा है, जिसमें भगवान का अनेक प्रकार के रत्नों से श्रृंगार किया जाएगा। 101 आमंत्रित परिवार के द्वारा शनिदेव जी का तिल से अभिषेक किया जाएगा। अनेक प्रकार की औषधियों से भगवान का अभिषेक किया जाएगा। साथ ही एक कुंड महायज्ञ भी रखा गया है, जिसमें सभी भक्त मिलकर भगवान के वेद मंत्रों के आहुतियों से हवन करके धर्म लाभ को प्राप्त करेंगे। बाल स्वरूप शनिदेव मंदिर पर दिव्य फूल बंगला भी सजाया जाएगा। साथ ही रात्रि के समय महाआरती का आयोजन किया जाएगा, जिसमें सभी भक्त उपस्थित होकर भगवान की आरती को करेंगे। इंदौर से संदीप बुले की रिपोर्ट।